इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि दो टेस्ट मुकाबलों के लिए भारतीय टीम का चयन हुआ है। उपकप्तान से केएल राहुल हटाए गए हैं। उपकप्तान पद से केएल राहुल को हटाया गया है। केएल राहुल को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन उनका सिलेक्शन, उनका चयन बतौर खिलाड़ी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 टेस्ट मैच की सीरीज हो रही है। 2 मुकाबले टीम जीत चुकी है, लेकिन केएल राहुल का प्रदर्शन बहुत ही औसत रहा। और इस वक्त यह बड़ी खबर मिल रही है कि केएल राहुल को उपकप्तान के पद से हटाया गया है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर उनका चयन हुआ है। कपिल वशिष्ठ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, ये पहली बार आप देख रहे हैं कि विदाउट वाइस कैप्टन की टीम डिक्लेयर की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, जिस तरीके से रोहित शर्मा का कोई डिप्यूटी नहीं बनाया गया अगले 2 टेस्ट मैचों के लिए, उससे साफ है कि बीसीसीआई भी उस दबाव को समझ रही थी और उसे अब झेलना मुश्किल हो गया था उस दबाव को, क्योंकि केएल राहुल को डिफेंड करना भी अब उतना ही मुश्किल हो गया है। हालांकि आज ही मैच खत्म होने के बाद ब्रॉडकास्टर के साथ पोस्ट मैच जब राहुल द्रविड़ ने बातचीत की, तो उनका जवाब यह था, केएल राहुल पर जब सवाल किया गया कि वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, टीम उनको बैक कर रही है क्योंकि उनके नाम इंग्लैंड में शतक है, क्योंकि इंग्लैंड उनके नाम दक्षिण अफ्रीका में शतक है और वो अच्छे खिलाड़ी हैं, इसलिए टीम उनको बैक करेगी। लेकिन सवाल ये है कि यही रूल फिर सभी खिलाड़ियों पर लागू क्यों नहीं होता है? क्यों केएल राहुल की वजह से टैलेंटेड और इनफॉर्म खिलाड़ी बाहर बैठेंगे? क्यों मुरली विजय के लिए यही रूल नहीं था, वो रिटायर हो गए? क्यों करुण नायर के लिए यही नियम नहीं था? क्यों सरफराज खान जो इतना बढ़िया खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, उनके लिए यही नियम नहीं था? आप देखिए, सिलसिला बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। वेंकटेश प्रसाद ने बहुत सही बात कही कि केएल राहुल को काउंटी जाना चाहिए, काउंटी क्रिकेट खेल कर आना चाहिए, फॉर्म वापस लानी चाहिए, क्योंकि किसी खिलाड़ी के एक्सपेंस पर किसी और को जगह मिले ये सही नहीं है। और राम, ये सिलसिला लंबा हो चुका है। आप याद करिए, T20 वर्ल्ड कप बड़ी टीमों के खिलाफ केएल राहुल के रन नहीं आए, 3, 5, 17, 8, ये उनके स्कोर थे बड़ी टीमों के खिलाफ। उन्होंने रन कब बनाए? प्रैक्टिस मैच में अर्धशतक बनाया। और अब राहुल द्रविड़ से सवाल किया गया उनके खराब फॉर्म को लेकर T20 वर्ल्ड कप में, तो उनका जवाब था कि नहीं, प्रैक्टिस मैच में बहुत बढ़िया कनेक्ट कर रहे थे। ये समझना होगा कि प्रैक्टिस मैचों को जीतकर और वहां रन बनाकर वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या ये एक तरह का संकेत है कि अब वाइस कैप्टन अगर नहीं है तो फिर ओपनर बदले भी जा सकते हैं और वो शायद कप्तान की मर्जी पर चल सकता है। ये भी कहीं ना कहीं आगे देखना होगा। और एक तरह का संकेत तो केएल राहुल को दे दिया गया है कि अगर वाइस कैप्टन के पोजीशन से उनको हटाया गया या वाइस कैप्टन के तौर पर उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया, तो फिर एक बड़ा सवाल ये बनता है कि केएल राहुल का भविष्य में क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।